है कि जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज को भी हस्ब मामूल पढ़ने देना चाहिए, और वहाँ पे अभी शब कदर के दिन, लैलतुल कदर के दिन तो कोई वाक़ा पेश नहीं हुआ। अभी जुमा की नमाज़ भी वहाँ पढ़ी गई, कल की नमाज़ भी पढ़ी गई, इससे पहले जो जुमतुल विदा था उसकी नमाज़ भी पढ़ी गई, और कोई ऐसा वहाँ पे शरपसंद कोई बोका पेश नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इसको सस्टेंड हिसाब में जामिया मस्जिद को नॉर्मलाइज़ करे। प्रीएम्प्टिवली जामिया मस्जिद को बंद करना एक बहुत ही कंडेमेबल एक्ट है। अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है और उसकी आप रिएक्शन करते हो अलग बात है, लेकिन आप अज्यूम करें कि वहाँ पे कुछ हो और इसलिए वहाँ स्टार्ट से ही ताला लगाएं, खासकर ईद उल फितर जैसे मौके पे बहुत ही गमजदा एक हम सब के लिए एक मंजर है। और इसके साथ मैं ये भी अपील करना चाहूँगा, और मैंने बार बार ये ऑफिशियली भी अपील की है इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से, कि मीरवाइज मौलवी उमर फ़ारूक साहब को रिहा किया जाए। वो हमारे मजहबी रहनुमा और पेशवा भी हैं, उनकी सियासत उनकी सियासत है, लेकिन मजहबी जो दीनी उनके फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देने में उन पर कोई रुकावट ना हो। तो सुनने में आया कि गवर्नमेंट होने वाले और पाकिस्तान के एक्शन जो है वो शिरकत करने वाले, क्या आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है? बेहतर होनी चाहिए, ये मैटर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। मुझे पूरा यकीन है हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो इन पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अमन कौन नहीं चाहता? सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत एक आम कश्मीरी को है। जब भी